गुरुवार को प्रबुद्ध जन काशी एवं कुटुंब विलेज वाराणसी के तत्वावधान में काशीराम आवास कॉलोनी शिवपुर महमूरगंज लहरतारा मरीन बस्ती एवं पत्रकारपुरम सहित दर्जनों मोहल्ले में घर घर जाकर तथा शिविर लगाकर डेंगू चिकनगुनिया एवं अन्य संक्रमण के रूप में फैल चुकी बीमारियों के बचाव हेतु होम्योपैथिक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही बचाव के उपाय बताते हुए वृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में चिकनगुनिया एवं डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जांच में कुछ भी नहीं निकल रहा है, परंतु लक्षण डेंगू और चिकनगुनिया का मिला जुला पाया जा रहा है। ऐसी गंभीर स्थिति में होम्योपैथिक दवा यूपेट्रोयम पर्फ 200 काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से अपील किया कि कृपया स्थिति की गंभीरता के दृष्टिगत अपने अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए डॉक्टर नेहा द्वारा बताए गए उपायों को प्रचारित करें तथा दवाओं का वितरण कराएं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष सिंह फिजिशियन, डॉक्टर अनुरोध मिश्रा, रितेश श्रीवास्तव ठाकुर, कुश प्रताप सिंह, विनोद शर्मा, एडवोकेट सतीश तिवारी आदि लोगों ने सहयोग किया। निःशुल्क दवा वितरण और ये जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया फैल रहा है उसके रोकथाम के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए उपस्थित हुए। पूरे बनारस शहर में हर तीसरा परिवार इस रोग से ग्रसित है और पीड़ित है। ऐसे में हम सबको ये ध्यान में आया कि नहीं, यह एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी की यूपेट्रोयम पर ये देना चाहिए। इससे इसके सेवन करने से लोग इस बीमारी से बच जाएंगे और जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं इसी दवा के सेवन से वो ठीक भी हो जा रहे हैं। इसलिए हम सब दवा वितरण के लिए और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए आए हुए हैं।